नवी मुंबई में 28 जुलाई को 320 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 14,000 पार करते हुए 14,252 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 4,407 तक पहुंच चुका है। हैशटैग अभिजीत बांगर 24/7। आयुक्त अभिजीत बांगर की अपील, कोरोना के लक्षण दिखे तो जल्द करवाएं एंटीजन टेस्ट। बता दें कि कोविड 19 टेस्टिंग संख्या में इजाफा कर जल्द मरीजों का पता लगाकर और क्वारंटाइन कर कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने पर आयुक्त अभिजीत बांग ने विशेष जोर दिया है। हर रोज इसी मिशन के तहत तकरीबन 2000 से भी अधिक नागरिकों की कोविड 19 टेस्टिंग की जा रही है। बता दें कि APMC में भी एंटीजन टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना जांच में तेजी से इजाफा होने के कारण कोरोना संक्रमण की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है, इसीलिए इसके कारण जल्द कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का पता लगाने और जल्द उनकी रोकथाम करने का आयुक्त का प्रयत्न बड़ी तेजी से चल रहा है। आयुक्त अभिजीत बांगर ने नवी मुंबई करों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना के लक्षण दिखते ही तुरंत करवाएं मुफ्त एंटीजन टेस्ट और कोरोना की चेन तोड़ने में नागरिक मदद करें। नवी मुंबई हाइलाइट्स। बता दें कि आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 14,000 पार कर चुका है। वहीं आज सबसे अधिक 76 कोरोना पॉजिटिव मरीज घनसोली से पाए गए। वहीं डिस्चार्ज मरीजों की सबसे अधिक संख्या भी घनसोली से रही। आज तकरीबन 124 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। कोरोना वायरस इन किड्स। बता दें कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के कुल 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनमें शामिल है घनसोली गांव नवी मुंबई 8 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 16 कोपर खैरने 2 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 19 कोपर खैरने 4 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 1 एरोली 6 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 बेलापुर 1 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 1 एरोली 4 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, दत्तनगर घनसोली 9 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 26 बेलापुर 9 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 9 घनसोली 9 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, नौसिल्ला का घनसोली 6 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, नौसिल्ला का घनसोली 4 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 3 वाशी 2 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 बेलापुर 2 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 1 वाशी 7 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 1 वाशी 3 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, महात्रियाली घनसोली 5 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव। ऑल इज वेल। आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि आज 302 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा 9,443 तक पहुंच चुका है और कोरोना मुक्त व्यक्तियों का आंकड़ा 66% दर्ज किया गया है। इसी के साथ डिस्चार्ज हुए मरीजों में शामिल है 118 महिलाएं और 184 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है बेलापुर से 32 महिलाएं 44 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, निरुल से 10 महिलाएं 22 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, वाशी से 4 महिलाएं 2 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, जबकि तुरभे से 6 महिलाएं 7 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, कोपे खैरने से 9 महिलाएं 12 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए। आज घनसोली में सबसे अधिक 45 महिलाएं और 79 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, एरोली से 5 महिलाएं 10 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, जबकि दिघा से 7 महिलाएं 8 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज नवी मुंबई में कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि एरोली में 39, बेलापुर में 41, दिघा में 16, घनसोली में 61, जुईनगर में 16, कोपर खैरने में 33, महापे 4, नेरुल 41, रबाले 15, सानपाड़ा 7, सीवुड 8, तुरभे 1 और वाशी से आज 38 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। एरोली की तरफ बढ़े तो एरोली सेक्टर 16 से 3, सेक्टर 17 से 3, सेक्टर 20 से 2, सेक्टर 14 से 1, सेक्टर 19 से 1, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 5, सेक्टर 1 से 4, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 8 ए से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं सेक्टर 9 से आज 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। चिंचपाड़ा से 2, साईनाथवाड़ी से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सीवुड की तरफ बढ़े तो सीवुड सेक्टर 48 से 1,
सेक्टर 44 से 1, सेक्टर 46 से 2, सेक्टर 42 से 1, सेक्टर 48 ए से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। कोपेखेड़ने की तरफ बढ़े तो कोपेखेड़ने सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 11 से 3, सेक्टर 19 से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सेक्टर 12 से 1, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 3, सेक्टर 4 ए से 1, सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 2 से 2, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 19 ए से 1, सेक्टर 19 सी से 1, बोनकोड़े से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। रबाले की तरफ बढ़े तो रबाले से 2, सेक्टर 29 से 1, सेक्टर 29 सी से 1, नौसलनाका से आज 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। जूईनगर की तरफ बढ़े तो जूईनगर सेक्टर 23 से 4, सेक्टर 24 से 10, सेक्टर 25 से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बेलापुर की तरफ बढ़े तो बेलापुर सेक्टर 20 से 3, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 10 से 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। वहीं सेक्टर 26 से 9, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 8 से 2, सेक्टर 25 से 1, सेक्टर 1 ए से 1, सेक्टर 8 बी से 2, करावे गांव से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। दिघा की तरफ बढ़े तो दिघा से 3 और इल्ठन पाड़ा से आज 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सानपाड़ा की तरफ बढ़े तो सानपाड़ा सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 5 से 6, वहीं महापे सेक्टर 20 से 2, महापे गांव से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। नेरुल की तरफ बढ़े तो नेरुल सेक्टर 20 से 6, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 10 से 4, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 28 से 3, सेक्टर 13 से 2, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 1 से 3, सेक्टर 7 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 19 ए से 3, सेक्टर 16 ए से 1, सेक्टर 18 ए से 1, शिरवने से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं कुक्षेत से 1, सारसोले से आज 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। तुर्भे की तरफ बढ़े तो तुर्भे सेक्टर 22 से आज 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वाशी की तरफ बढ़े तो वाशी सेक्टर 10 से 3, सेक्टर 15 से 4, सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 28 से 3, सेक्टर 12 से 1, सेक्टर 31 से 1, सेक्टर 3 से 5, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 1 से 6, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 9 से 5, सेक्टर 29 से 1, सेक्टर 9 ए से 1, जुहू गांव से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। घनसोली की तरफ बढ़े तो घनसोली सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 3 से 4, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 7 से 4, सेक्टर 5 से 3, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 9 से आज 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं सामर्थ्य नगर से 1, चिंचाली से 3, दत्त नगर से 1, गुठिवली से 2, महात्रेआली से 4, प्रगति नगर से 2, सामर्थ्य नगर से 1, तलवली से 4, घनसोली से 1 और घनसोली गांव से आज 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में आज सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। बता दें कि 0 से 10 साल के एज ग्रुप में 16, 11 से 20 साल के एज ग्रुप में 45, 21 से 30 के एज ग्रुप में 62, 31 से 40 की एज ग्रुप में 78, 41 से 50 की एज ग्रुप में 52 और 50 से अधिक की एज ग्रुप में 67 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। दुखद घटना। बता दें कि आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 8 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा 400 पार करते हुए 402 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है सेक्टर 16 ए नेरुल की रहवासी 57 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, सेक्टर 12 डी कोपरखेड़ने की रहवासी 52 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत, रामनगर दिघा 52 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 2 कोपरखेड़ने 55 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 13 नेरुल 60 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 4 घनसोली 51 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, एरोली गांव 56 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 12 डी कोपरखेड़ने 75 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। तो चलिए अब डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल कोविड 19 टेस्ट जनसंख्या 32,892, कोरोना पॉजिटिव केस 28 जुलाई 2020 यानी आज 320, कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 14,252, कोरोना के एक्टिव केस 4,407, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 122,763, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 18,382, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा 9,443, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 28 जुलाई 2020 यानी आज 302, रिपोर्ट प्रलंबित 260, कोरोना से कुल मृत्यु का आंकड़ा 402 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 8।
ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मीडिया नेटवर्क।